हमारा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड, बहुत लोग ने बोला है कि सेपरेट स्टेटहुड का डिमांड इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना भी बोला है, तो मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हमारा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। अगर किसी को लगता है कि हमारा डिमांड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऐसा कानून पास करना चाहिए कि आप पूरे इंडिया में एक नागरिक को अधिकार होता है अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस मानने के लिए। और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि हमारा डिमांड इलीगल है तो वो कानून पास करे और उसमें लिखा जाए कि कोई भी इंडिया में, कोई भी नागरिक इंडिया में सेपरेट स्टेट मांग सकता है सिवाय तिपरासा को। अगर तिपरासा मांगेगा तो वो इलीगल होगा, वरना इंडिया में कोई भी अलग राज्य मांग सकता है, वो उनका अधिकार है एक्सेप्ट फॉर तिपरासा। वो कानून पास कर दे, मैं डिमांड नहीं करूंगा। बहुत लोगों ने मुझे जिन्ना कहा है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जिन्ना कहा है। यही लोग को मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी शिबू सोरेन जिसने झारखंड लाया था उसको जिन्ना बोला? आपने कभी केसीआर राव जो तेलंगाना का मुख्यमंत्री है उसको कभी जिन्ना बोला? आपने कभी एनडी तिवारी जो पहला मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का उसको जिन्ना बोला? आपने कभी अजीत जोगी जो पहला मुख्यमंत्री था छत्तीसगढ़ का उसको जिन्ना बोला? नहीं। लेकिन जब एक तिपरासा डिमांड करता है तो आप उनको पाकिस्तानी के संग कंपेयर करते हो, आप उनको एंटी नेशनल बनाकर कंपेयर करते हो। आपका जो थिंकिंग है वो गलत है, हमारा पोजीशन गलत नहीं है। अस्तबल में आपने देखा कितने लोग आए हैं और आपको लगता है कि ये सब बेवकूफ हैं, तो आप ही बेवकूफ है कि आपको लगता है कि लाख लाख आदमी आने के बाद ये सब बेवकूफ है। वी आर यूनाइटेड, वी आर फॉर थानसा एंड वी आर गोइंग टू वर्क फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड एंड आई एम अगेन टेलिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ग्रेटर तिपरा लैंड का सोल्यूशन चाहिए। आप हमें राइटिंग में इनवाइट कीजिए, राइटिंग में लिखा जाएगा तभी हम बात करेंगे, वरना हम अकेला ही अपना संघर्ष आगे रखेंगे एंड वी फाइट द इलेक्शंस अलोन। इफ यू डोंट वांट टू गिव अस रिलीफ, वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस एंड टू फाइट फॉर एग्जिस्टेंस।